हेलो डियर स्टूडेंट बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। ठीक बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक बच्चों, तो देखो बच्चों, मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम होता है। मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम होता है। ठीक है बच्चों, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो इसमें बच्चों जैसे आप बोल सकते हो ना, मोनो एटॉमिक हो सकता है। आप बोलोगे इसकी एटॉमिसिटी क्या है बच्चों? वन है। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या है? वन। इसका क्या मतलब है? एक ही एटम होगा बच्चों, है ना। जैसे ये है नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है और रेडॉन है। ठीक है, हीलियम भी है, तो इनकी एटॉमिसिटी वन है। ठीक है बच्चों, जैसे हीलियम आपने कहा कि वन मोल है, तो हीलियम के कितने एटम होंगे बच्चों? वन इंटू एवोगेड्रो नंबर। तो हीलियम को आप मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, एटम भी बोल सकते हो बच्चों, क्योंकि एटॉमिसिटी क्या है? वन है। आप बोल सकते हो ये ग्रुप ऑफ वन एटम है ना। अगर आपने कहा कि नियॉन अगर कितना है बच्चों? टू मोल है ना। तो आप नियॉन का कितना संख्या होगा बच्चों? वन इंटू टू इंटू एवोगेड्रो नंबर, है ना। वन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें एक ही है बच्चों, है ना, ये मोनो एटॉमिक है बच्चों। तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं डाईटॉमिक, डाईटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो डाईटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा? एटॉमिसिटी टू होगा, एटॉमिसिटी टू होगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि इन वन एटम, सॉरी इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है, टू एटम्स आर प्रेजेंट, टू एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, तो आप उसको डायटॉमिक कहोगे। जैसे कि कौन सा है? एच टू है ना, ओ टू है, एन टू हो गया। ठीक है बच्चों, और भी जैसे हो सकते हैं ना, एफ टू हो सकता है, सी एल टू हो सकता है, बी आर टू हो सकता है, आई टू हो सकता है। ठीक है, तो ये सब डायटॉमिक। लाइक जैसे एन ओ भी हो सकता है, ठीक है, एनओ हो सकता है, एनओ में भी एक नाइट्रोजन एटम है। तो बच्चों जैसे हमने कहा कि अगर एच टू बच्चों वन मोल है ना, वन मोल है, तो एच एटम कितना होगा बच्चों? एच एटम कितना हो जाएगा? टू इंटू वन आ जाएगा, है ना, क्योंकि डाईटॉमिक है। एच टू का मतलब क्या है बच्चों? एच और एच, तब जाके ये एच टू बनेगा ना। तो ये है, इस तरह सोचो, है ना, एच और एच, एच और एच, ये एच टू हो गया, ये एच टू हो गया। अब एटम गिन सकते हो ना बच्चों? अगर वन एच टू है तो यहाँ पे क्या है? दो हाइड्रोजन एटम है ना। वन एच टू में इसमें कितना है बच्चों? दो हाइड्रोजन है। इसमें भी कितने हैं? दो हाइड्रोजन है। ठीक है, एटम क्या होता है बच्चों? सिंपल, है ना, ये दो हाइड्रोजन एटम है। तो अगर हमने कहा कि थ्री एच टू है बच्चों, थ्री एच टू है, तो एच कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा थ्री इंटू टू हो जाएगा, है ना, सिक्स एटम आ जाएगा। तो उसी तरह से अगर हमने एच टू कहा बच्चों वन डजन है, तो एच एटम कितना हो जाएगा बच्चों? एटम, है ना, एटम समझते हो आप, एटम सिंगल। तो अगर ये वन डजन है तो एच कितना हो जाएगा बच्चों? ट्वाइस हो जाएगा, है ना, यानी कि टू डजन हो जाएगा। अब आप डजन को हटा लो, क्या लिखोगे बच्चों? टू इंटू ट्वेल्व लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो डाईटॉमिक है, तो डाईटॉमिक में क्या होगा बच्चों? अगर मॉलिक्यूल का मोल होगा तो एटम का मोल क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, क्या लिख सकते हो बच्चों? इन डाई एटॉमिक, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या हो जाएगा? इफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन देन मोल ऑफ एटम क्या होगा बच्चों? विल बी ट्वाइस होगा, है ना, सेम सेम मॉलिक्यूल, है ना, होमो एटॉमिक होना चाहिए बच्चों। देखो ये सब क्या है, जैसे ये होमो एटॉमिक है ना, तो एच टू जितना होगा, एच कितना होगा? डबल होगा। ओ टू जितना होगा, ओ कितना होगा? डबल होगा। एन टू जितना होगा, एन कितना होगा बच्चों? डबल होगा। एफ टू जितना है ना, एफ उसका डबल। सी एल टू जितना है, सी एल उसका डबल। बी आर टू जितना है, ठीक है ना, बी आर उसका डबल। आई टू जितना है, वो उसका डबल। एन ओ बच्चों ये हेट्रो एटॉमिक है ना, इसको क्या बोलते हैं? हेट्रो। हेट्रो का मतलब है कि जो अलग अलग एटम का मॉलिक्यूल बना हो, है ना। ये सारे क्या थे बच्चों? होमो एटॉमिक है। होमो एटॉमिक मतलब
एक ही एटम की संख्या रिपीट होगी, है ना, एक ही एलिमेंट की संख्या रिपीट होगी। तो बच्चों हमने क्या देखा कि अगर डायटोमिक है, ठीक है, और एक ऐसा डायटोमिक है होमो, है ना, होमो मतलब एक जैसा होगा ना, जैसे कि ये सब एच टू हो गया, एन टू हो गया, ओ टू हो गया, सी एल टू हो गया, ये सब। तो इसमें अगर एटम का मोल पता है तो, सॉरी, इसमें मॉलिक्यूल का मोल पता है तो बच्चों एटम का मोल आ जाएगा, है ना। जैसे अगर हमने कहा कि एच टू बच्चों क्या है, ए मोल है, एच टू क्या है, ए मोल, तो एच क्या होगा बच्चों, टू इंटू ए कर लोगे, ठीक है। अब जैसे अगर हमने कहा कि एच एटम बच्चों है एक्स मोल, एच एटम क्या है, एक्स मोल, तो एच टू कितना होगा, क्या बता सकते हो, जरा सोचो जरा, एच टू हो जाएगा बच्चों एक्स बाई टू हो जाएगा, है ना। ये देखो एटम क्या है, ट्वाइस है ना, एटम क्या है, ट्वाइस है। तो अब देखो यहाँ पे एच टू का मोल है एक्स बाई टू, तो एटम में क्या करोगे, एटम निकालने के लिए इसमें दो से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो टू इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में अगर एटम का मोल मालूम हो जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा, है ना, मॉलिक्यूल का मोल पता है तो, ठीक है, मॉलिक्यूल का मोल पता है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एटम का मोल आ जाएगा, कैसे आएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, है ना। ये बच्चे समझते नहीं हैं इसलिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एच टू बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या है, दो बार, ये दो बार रिपीट हो रहा है ना, एच कॉमा एच, ऐसे बना, ठीक है। तो अगर एच टू बच्चों अगर 10 है तो एच कितना होगा, 20 हो जाएगा, है ना। एच टू अगर 20 है तो एच कितना होगा, बोलो, 40 हो जाएगा। अब मैं उल्टा बोल लूँ बच्चों, एच अगर क्या है, 40 है, बताओ एच टू कितना बनेगा, 20 बनेगा, है ना, क्योंकि आप दो हाइड्रोजन एटम लोगे, एक बॉक्स बनाओगे, फिर दो हाइड्रोजन लोगे, एक बॉक्स बनाओगे, है ना। तो आप इसको क्या, दो यहाँ पे खर्च करोगे, दो यहाँ पे खर्च करोगे, ऐसे करते जाओगे, ठीक है। तो 40 है तो कितना हो जाएगा बच्चों, एच टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दो दो एटम लेंगे तो एक एक बॉक्स बनेगा, ये एच टू बना, ये एच टू बना, ठीक है बच्चों। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं बच्चों ट्राई एटॉमिक, है ना, एटॉमिसिटी क्या है बच्चों, 3 है, एटॉमिसिटी क्या है बच्चों, 3 है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं बच्चों ओ थ्री है ना, तो ओ थ्री अगर ए मोल है तो इसका मतलब बताओ बच्चों, अभी लिखा था ऑक्सीजन कितना होगा, थ्राइस हो जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स, ठीक है। ओ थ्री मतलब ओ ओ ओ, ये एक बॉक्स है बच्चों, ये एक ओ थ्री बनेगा, उसी तरह ये ओ ओ ओ, है ना। तो ओ थ्री दो है तो ऑक्सीजन देखो 6 हो गया, ठीक है। तो अगर ओ थ्री अगर बच्चों ए है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 3 इंटू ए होगा। अगर ओ थ्री 1 डजन है तो बच्चों ऑक्सीजन कितना होगा, 3 डजन होगा, है ना, दिख रहा होगा आपको। अगर ओ थ्री बच्चों 1 मोल है तो ऑक्सीजन कितना होगा, एटम 3 मोल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर ओ थ्री एक्स मोल है तो ऑक्सीजन एटम कितना हो बच्चों, 3 इंटू एक्स हो जाएगा, क्लियर। अब देखो बच्चों एटॉमिसिटी 3 में और भी हो सकती है, जैसे मान लेते हैं हमने एन टू ओ लिखा, अब इसमें देखो बच्चों क्या हो रहा है, 2 नाइट्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। अगर ये ए मोल है बच्चों तो नाइट्रोजन कितना होगा, 2 इंटू ए होगा, है ना, और ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों, 1 इंटू ए। देखो मल्टीप्लाई किससे करें, नाइट्रोजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ऑक्सीजन एक ही है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, है ना, ठीक है बच्चों। तो ये ट्राई एटॉमिक हो गया, ठीक है। और भी हो सकता है बच्चों, जैसे के ओ टू है, अगर ये 10 मोल है, बता सकते हो बच्चों इसकी कोफिशियंट के का क्या है, 1 है, तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 आ जाएगा। ऑक्सीजन का कोफिशियंट कितना है बच्चों, 2 है, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो ये है एटॉमिसिटी, अगर आपको मालूम है तो कर सकते हो बच्चों, है ना। अब जैसे कोई भी कंपाउंड है बच्चों, CX H12, C6H12O6, ये बच्चों ए मोल है, बता सकते हो, तो कार्बन कितना होगा बच्चों, 6 इंटू ए आ जाएगा, मोल आ जाएगा, है ना। तो 6 इंटू ए इंटू क्या लिखोगे बच्चों, एवोगैड्रो नंबर। हाइड्रोजन एटम कितना होगा बच्चों, 12 इंटू ए आ जाएगा, है ना, 12 टाइम्स है, तो 12 इंटू ए इंटू एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों, 6 इंटू ए हो जाएगा, 6 इंटू ए इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कहा कि
फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, है ना, इन द फॉलोइंग। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला लिया बच्चों, फोर ग्राम एच टू। ठीक है बच्चो, यहाँ से आप मोल निकाल लोगे तो मोल क्या होगा बच्चों, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, पढ़ा है। तो बच्चों अब ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्या निकालो बच्चों, मोल निकालेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, मोल निकालोगे, ठीक है। अगर मोल गिवेन नहीं है तो, ठीक है, इफ मोल इज नॉट गिवेन, अगर मोल गिवेन नहीं है तो आप मोल निकालो बच्चों, ठीक है। यहाँ से मोल आ जाएगा बच्चों, मास इन ग्राम कितना होगा बच्चों, फोर अपॉन मोलर मास कितना है, टू। ये किसका आएगा बच्चों, टू मोल आया, है ना। टू मोल क्या है बच्चों, एच टू आ गया, एच टू हो गया टू मोल। तो एच टू मॉलिक्यूल की संख्या कितना होगा बच्चों, की संख्या नंबर ऑफ एच टू मॉलिक्यूल कितना होगा बच्चों, टू इंटू एवोगैड्रो नंबर, है ना। अब एच टू मॉलिक्यूल जितना है, एच कितना है बच्चों, जितना एच टू है, एच क्या है, एच उसका क्या है बच्चों, डबल है, क्या है, डबल है। दिख रहा है ना, एच टू लिखा है, अभी पढ़ा है एटॉमिसिटी। तो अगर हमने कहा कि एच टू टू मोल है तो एच कितना होगा, एच हो जाएगा टू इंटू टू, ये टू से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू इंटू टू मोल हो जाएगा, यानी कि फोर मोल हो जाएगा, यानी कि फोर इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो 4 ग्राम एच टू में बच्चों, एच टू का मोल निकाल लोगे तो एच टू का मोल आ जाएगा, ठीक है, दो आ गया। एच टू का मोल आया तो एच टू मॉलिक्यूल की संख्या एवोगैड्रो नंबर, और एच टू जितना है हाइड्रोजन उसका डबल है ना। आप एच टू को क्या लिख रहे हो, एच और एच लिख रहे हो, तो जितना एच टू है हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन एटम इसका ट्वाइस कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो दिस वे ये हम लोग बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो अगला एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे हमने लिया है, ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एक और एग्जांपल। दूसरा हमने लिया 3.65 ग्राम HCl है, ठीक है बच्चों। तो पहले क्या लिखेंगे, मोल। तो मोल ऑफ HCl क्या हो गया, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। तो HCl 1 + 35.5 क्या है बच्चों, 36.5 आ जाएगा। तो मास दिया है 3.65, मोलर मास है 36.5, क्या है बच्चों, 0.1 मोल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो HCl जो है ये क्या है, 0.1 मोल है, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम कितना है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 और 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 0.1 मोल आ जाएगा, है ना। तो कितना आएगा, 0.1 × एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना आएगा। क्लोरीन कितना होगा बच्चों, 1 है तो 1 × 0.1 मोल होगा, तो 0.1 × एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। दूसरा लेते हैं बच्चों, जैसे हमने लिया 8.8 ग्राम N2O। अब इसमें क्या बताना बच्चों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले क्या करो बच्चों, मोल निकालोगे, उसके लिए आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा N2O का। तो क्या है बच्चों, 2 × 14 प्लस ऑक्सीजन, है ना। N2O में क्या है बच्चों, 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है ना। तो 2 × 14 किया प्लस 16 हो जाए, है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा बच्चों 44। तो मास ऑफ
N2O आपको दिया है ना, कितना दिया है 8.8 ग्राम। यहाँ से क्या होगा बच्चों, मोल निकाल लोगे, मोल ऑफ N2O, ठीक है, तो मास 8.8 अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना बच्चों 44, 0.2 आ जाएगा। अब बच्चों देखो एन ओ है ना, मैं देखो बच्चों यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ और यहाँ पर 1 है, तो ये है N2O है बच्चों, है ना, तो इसकी वैल्यू हमने लिखा 0.2 मोल है। तो बताओ एन नाइट्रोजन एटम क्या करोगे, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बच्चों, और ये क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो नाइट्रोजन हो गया 2 × 0.2 मोल आ गया, यानी कि 0.4 × Na हो गया, है ना। ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों 1 × 0.2, यानी कि 0.2 × एवोगैड्रो नंबर, पूरा नंबर चाहिए तो 0.2 × 6.02 23 कर लो बच्चों, है ना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं बच्चों। जैसे हमने लिया से बच्चों हमने लिया ग्लूकोज, है ना, तो हमने लिया 36 ग्राम ग्लूकोज, इसमें आपको बताना है, क्या बताना बच्चों, कार्बन एटम कितना है, हाइड्रोजन एटम कितना है और ऑक्सीजन एटम कितना है ना। तो क्या करोगे बच्चों, पहले पहले क्या करेंगे, हमेशा पहले मोल फाइंड करेंगे, है ना, मोल फाइंड करेंगे। मोल कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, तो मोल ऑफ C6H12O6 कितना होगा बच्चों, मास अपॉन मोलर मास, मास है बच्चों 36, मोलर मास निकाल लोगे H12O6, इसका क्या होगा बच्चों 12 × 6 होगा, प्लस 12 × 1 होगा, प्लस 6 × 16 होगा, सॉल्व कर लोगे बच्चों तो यू विल गेट 180, 180 कर लोगे तो ये आएगा बच्चों 0.2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखो बच्चों ये है H12O6 है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, तो ये C6 है, ये H12 है और ये O6 है, ठीक है बच्चों। तो इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू दिया है हमने कितना बच्चों 0.2, तो ये मोल है बच्चों, तो ग्लूकोज इतना है, तो कार्बन की वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो लिखोगे क्या लिखोगे 6 × है ना, हाइड्रोजन के लिए क्या लिखोगे और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखोगे, है ना, तो इसमें हाइड्रोजन के लिए 12 × करना पड़ेगा, इसके लिए क्या होगा 6 × करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर 6 × क्या होगा बच्चों 0.2 होगा, 12 × 0.2 होगा, 6 × 0.2 होगा, ठीक है, ये सब क्या आ रहे हैं बच्चों, मोल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1.2 मोल हो गया, ठीक है बच्चों, तो 1.2 × Na आ गया, इसका आ गया 2.4 मोल हो गया, ये जाएगा 2.4 × एवोगैड्रो नंबर, इसका क्या होगा बच्चों 1.2 मोल हो गया, है ना, तो 1.2 × एवोगैड्रो नंबर हो गया, क्लियर बच्चों। एक और करते बच्चों क्वेश्चन 4 नंबर, एक कंपाउंड है बच्चों, ये है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है बच्चों, इन इन 5.04 ग्राम Na2SO3 डॉट 7H2O, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें पहले मोल निकालेंगे, है ना, पहले क्या करेंगे मोल फाइंड करना है, बिना उसके आगे हम बढ़ेंगे नहीं, ठीक है, तो मोल फाइंड करना, तो मोल आपको क्या पता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, तो पहले आप इसका मोलर मास निकाल लो जरा, तो कितना है बच्चों 2 × 23, ये सोडियम का होता है, प्लस सल्फर है बच्चों 32, प्लस ये 48, ठीक है, अब प्लस है बच्चों 7 × 18, ठीक है बच्चों,
तो 46 प्लस ये है ना, ये आएगा 48 प्लस 32, ठीक है जो 80, और 80 प्लस 40 126, ये भी 126 है बच्चों, तो क्या आ जाएगा 252 आ जाएगा ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे 252 आएगा। तो आप मोल ऑफ ये निकाल लोगे बच्चों, Na2SO3 डॉट 5 सॉरी 7H2O है ना। तो इसमें देखो बच्चों, तो इसका मास दिया है कितना मोल है ना, मास कितना दिया बच्चों 5.04 डिवाइडेड बाई 252 है ना, इसको ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। तो 500, तो ये आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 504 × 10^-2 डिवाइडेड बाई 252, यानी कि मोल आ गया, ठीक है। तो Na2SO3 .7H2O ये कितना है बच्चों, 2 × 10^-2 मोल, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसमें देखो बच्चों, सोडियम, सोडियम कितना है, 2 है ना, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन बच्चों ध्यान से देखोगे, वैसे यहाँ पे अलग अलग है, तो इसका कोफिशियंट क्या है बच्चों, 2, सल्फर कोफिशियंट 1, ऑक्सीजन देखो जो 3 तो यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है, तो कितना लिखोगे एक साथ में, अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 7 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो 7 × 2 = 14 है बच्चों, है ना, तो ये हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 14 है, दिख रहा है आपको, हमने सबको एक साथ लिख लिया है, ठीक है। यहाँ से ये 2 सोडियम इधर आ रहा है, सल्फर एक ही आ रहा है, और 3 ऑक्सीजन यहाँ और 7 इधर है ना इसके अंदर, तो 3 7 10 हो गया और ये 14 हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों दिया है कितना, 2 × 10^-2, ये क्या आया बच्चों, मोल आया है ना। तो Na2SO3.7H2O को हम ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम के लिए क्या करोगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 × 10^-2, तो 4 × 10^-2 मोल आ जाएगा। तो सोडियम एटम की संख्या क्या होगी बच्चों, 10^-2 एवोगैड्रो नंबर। अब आ जाओ बच्चों सल्फर, तो ये 1 से ही मल्टीप्लाई होगा है ना, तो 1 × क्या लिखो बच्चों, 2 × 10^-2 मोल हो जाएगा है ना, 2 × 10^-2 एवोगैड्रो नंबर। ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों, तो जाएगा 10 × 10 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 10 × 2 × 10^-2 हो जाएगा, तो 20 × 10^-2 एवोगैड्रो नंबर। हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, हो जाएगा 14 से मल्टीप्लाई होगा, 10^-2, ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 28 × 10^-2 एवोगैड्रो नंबर, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, तो बच्चों कमेंट जरूर करना कि आपको समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैं आपको लिख रहा हूँ प्लीज, ठीक है बच्चों, कमेंट, ठीक है बच्चों, प्लीज कमेंट है ना, हाउ इज द वीडियो, ठीक है बच्चों, तो मुझे पता लगेगा कि मैं अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूँ कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।